आज के इस वीडियो का आगाज ही मैं एक क्वेश्चन से करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि आपने आज तक ऑनलाइन कितने पैसे अर्न किए हैं। यकीनन 95% से 97% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक एक रुपया भी नहीं कमाया होना। वीडियोस भी बेशुमार देखी हैं, इन्वेस्टमेंट भी की है, इसके अलावा वही वीडियोस जहां से दूसरे लोग अर्न कर रहे हैं। जब आप ट्राई करते हैं कुछ अर्निंग नहीं होती। 2023 भी इसी एफर्ट में, इसी स्ट्रगल में गुजरा कि कोई शॉर्टकट हमें मिले जहां से हम रातों रात अमीर हो जाए। 2024 का जनवरी भी ऑलमोस्ट एंड हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा तरीकाकार, ऐसा चिराग, ऐसा जादू नहीं मिला जहां से आप रातों रात अमीर हो सके। भाई हकीकत यह है कि जो भी YouTube पे डेली बेस पे अगर 100 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो उनमें 95, 96, 97% फेक होती हैं। ऐसी होती हैं जहां पे जस्ट आपको जानसा दिया जाता है, उसमें कोई अर्निंग नहीं होती, जहां पे आपको शॉर्टकट दिखाया जाता है, जहां पे आपको उम्मीद दिलाई जाती है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। यहां पे देखें जी, हम आपके सामने 31,000 विड्रॉ करवा रहे हैं, यहां पे हम 1,00,000 विड्रॉ करवा रहे हैं, यहां पे हम 5,000 करवा रहे हैं। आप उनके पैसों से मोटिवेट होकर अपने पैसे जाके इन्वेस्ट करते हैं, पहला आपको विड्रॉ मिलता है, आप मजीद मोटिवेट होकर दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर देते हो। इंजाम फिर ये निकलता है कि जैसे ही एप्लीकेशन वाले के पास अच्छे खासे पैसे जमा होते हैं, वो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता। अभी कुछ दिन पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, वहां पे मेरे सामने एक अदीब का लाइव इंटरव्यू आया। उसमें उसने बताया कि जब मैंने अपनी मदर को बताया कि मैं बड़ा होके अदीब बनूंगा, ऐसा अदीब जो कि सच बोलूंगा, दूसरे अदीबों की तरह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो कहते हैं कि मेरी माँ कुछ देर के लिए खामोश हो गई और कहने लगी उसके बाद कि बेटा, अगर बोलना है तो सच अपने बारे में बोलना, दूसरों के बारे में ना बोलना। ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, सच हमेशा से नाकाम है, झूठ की हमेशा से कामयाबी है। आपने ये मुहावरा भी सुना होगा कि पानी की लहरों के साथ चलना आसान है, लेकिन वो मछली जो सारी जिंदगी पानी के अंदर गुजारती है, जब उसको भी लहरों के ऑपोजिट चलना पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। हकीकत यही है कि जो भी आज के दौर में सच बोल रहा है, उसके लिए जीना लोग हराम कर देते हैं। वो लोग जो आपके साथ स्कैम को एक्सपोज कर रहे हैं आपके भले के लिए, हालांकि उनका यूट्यूब चैनल भी अंदर जाता है खतरे में, उसके अलावा उनको अलग से धमकियां मिलती हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। अगर वो जस्ट आपके लिए किसी ऐसी वीडियो को बना रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि ये एप्लीकेशन फेक है, आप इससे बच के रहना, रियल काम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको डीमोटिवेट करोगे, आप कहोगे कि नहीं, हमने तो यहां से अर्निंग की है, इस टाइम आपको अर्निंग हो रही है, उसके बाद आपको अर्निंग नहीं होगी, जहां पे आपसे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, समझ आए आपके साथ स्कैम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से इस चैनल के ऊपर ना कोई इन्वेस्टमेंट वाली चीज बताई जाती है, ना कोई फेक चीज आपके साथ शेयर की जाती है। बात आती है जी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली, आपने बहुत सारे ऐसे तरीके भी ट्राई किए होंगे, आपको वहां से भी अर्निंग नहीं हुई। मानती हूं कि आपको नहीं अर्निंग हुई, आपने कोशिश की होगी, आपने वीडियोस को फॉलो किया होगा, लेकिन अर्निंग क्यों नहीं होती, उसके पीछे रियलिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूबर, सारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो सबकी सब फेक है। हकीकत यह है कि सबसे पहले फॉल्ट चले यूट्यूबर्स में है, दूसरा फॉल्ट हमारी पाकिस्तानी जनरेशन में है जो शॉर्टकट के पीछे भागती है। पाकिस्तान में यूट्यूब की वेरिफिकेशन बंद हो गई है, फाइवर की वेरिफिकेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी है, ब्लॉगिंग की साइट्स अप्रूव नहीं हो रही, टिकटॉक यहाँ पे मोनेटाइज नहीं है, फेसबुक यहाँ पे डायरेक्ट मोनेटाइज नहीं है, पेपल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? उनको पता है पाकिस्तान माशाल्लाह से कितने ईमानदार लोग हैं, यहाँ पे सीपीएम वर्क शुरू कर देते हैं, यहाँ पे 2 नंबरियां शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, वहां से लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, हमें वहां से पैसे नहीं मिलते। फाइवर की अगर बात की जाए, पाकिस्तान इसमें टॉप 4th नंबर पे आता है। वही यंग जनरेशन जो पहले टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करती थी, वही आज फाइवर पे काम करके अपने पाकिस्तान को टॉप पे भी लेके आई है, ऑर्डर्स भी ले रही है, काम भी कर रही है, अर्निंग भी कर रही है। आपको क्यों नहीं मिल रहा? आप सीखते नहीं हैं। जो यूट्यूबर आपको दिल से सिखा भी रहे ना, आप सीखते नहीं हैं। अब मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आता है जी बहन, आपने निशास पे वीडियो बनाई थी, अंजुम भाई ने भी बनाई थी, मैंने आपकी वीडियोस को देख के वहां से मोटिवेट होके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, आप मुझे वहां से विड्रॉ नहीं मिल रहा। ये वीडियो अभी भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके देखें। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई इस कमेंट के बाद। मैंने उसमें यही बताया, यहाँ पे देखे मैंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने मेरा आगे से अकाउंट ब्लॉक कर दिया और बोल रहे हैं जी आपने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, मतलब कि मैंने उसमें स्कैम को एक्सपोज किया है। अब आप जस्ट थंबनेल के ऊपर देख के नाम और ये देखे कि हबीबा डार ने वीडियो बनाई है और मेरे पे यकीन करके आप जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने जो उसमें बताया वो तो सुने। ऐसे कमेंट आते हैं जी, शुरू में वीडियो को क्लिक किया,
अभी मैं इंट्रो दे रही होती हूँ जी कमेंट करते हैं ये तो एप्लीकेशन फेक है। बाय चांस अगर एंड पे पहुंच गए हैं, एंड तक वीडियो को सुन लिया तो नीचे साथ ही कमेंट कर देते हैं सॉरी बहन मैंने वीडियो की स्टार्ट पे एक कमेंट कर दिया था वो मेरे से गलती से हो गया क्योंकि मैंने आपकी बात पूरी सुनी नहीं थी। वो बंदा जो आपके लिए अच्छी एफर्ट कर रहा है उसको आप डिसलाइक कर रहे हो, आपके लिए कोई ऐसा मेथड लेके आ रहा है जो कि रियल है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस करना पड़ना है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़नी है। आप कहते हैं ये मेथड ही फेक है, यूट्यूब भी फेक है, फाइबर भी फेक है, ब्लॉगिंग भी फेक है, ट्रेडिंग भी फेक है, वो चीज़ें जो कि मैं कहती हूँ कि कोई बंदा साबित ही नहीं कर सकता। आपके पास सबूत नहीं है, जस्ट आपके पास अल्फाज है जो आप कमेंट में कर देते हैं कि ये चीज़ फेक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से इस चैनल के ऊपर ना कोई इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ बताई जाती है, ना कोई फेक चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है। यूट्यूब भी सिखाई जाती है, फाइबर भी, फ्रीलांसिंग भी, फाइबर के लाइव अर्निंग प्रूफ भी आपको दिखाए गए हैं, हर चीज़ के अर्निंग प्रूफ दिखा के लाइव विड्रा करके रियल वाले, कोई फेक वाले नहीं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हम जो ना टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमने यारी दोस्तियां बनाई हुई हैं, ऐसे काम नहीं चलता। मैं एक फीमेल होके बहुत सारे दिन गुजारे हैं कि जिसमें मैंने 3-3 घंटे भी पूरे हफ्ते में सो के नहीं देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह से 12-15 घंटे सोती हूँ, सुकून से सोती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं कामयाब हो चुकी हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे रास्ता मिल चुका है, मुझे मंजिल दिखने लग गई है। पौधा जो लगाना था उसकी जो देखभाल करनी थी वो स्टार्टिंग पे ज़्यादा थी, अब जस्ट मुझे डेली बेस पे इतना सा टाइम देना पड़ता है कि मैंने उसको पानी देना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। 2-3 घंटे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। फीमेल होके मेरे पास इतना काम है कि मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही, मेरे पास प्रॉपर टीम है, टीम साथ वर्क कर रही है। तो आप मेल हो के या फिर आप मुझसे मच्योर हो के आपके पास काम नहीं है तो ये जस्ट बहाने हैं। अगर आप शॉर्टकट वे में रह के अमीर होना चाह रहे हैं, कोई ऐसा वे ढूंढ रहे हैं जिसमें आप रातों रात अमीर हो जाए, आप सारे ख्वाब पूरे कर लें, तो आपके लिए हर वीडियो फेक है, ठीक है। कोई भी मेथड रियल नहीं है, आप कहीं से भी अर्निंग नहीं करेंगे, आपको हर वीडियो फेक ही लगेगी। अब एक बंदे ने आपको बताया कि मैंने इससे 30,000 कमाया, भाई उसने कमाया होगा, मैं ये नहीं कहती कि वो भी झूठ बोलता है। कमेंट सेक्शन में अगर आकर लोग और बता रहे हैं कि हमने कमाया, उसने भी कमाया, आपसे नहीं हो रहा, तो मतलब आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये टेक क्या, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम फिजिकली कोई आटा गूंद रहे हैं, पानी कम ज़्यादा हो गया तो एडजस्ट हो जाएगा, चावल बना रहे हैं कोई पानी ज़्यादा कम हो गया तो खाए जाएंगे, नहीं। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि आपको कहा जा रहा है कि आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, आपका आंसर आएगा 4। आप करते हैं वीडियो को स्किप करके देखा या फिर गौर से सुना नहीं, आपने 2 को देखा और बाकी जाके 2-2 कर दिया, आपका आंसर 0 आ गया। अब उस बंदे का अगर आंसर 4 आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, तो क्या है जी पीछे, लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नॉन सीरियसनेस, शॉर्टकट आप चाह रहे हैं, हमें शॉर्टकट मिले, फिर आपको लगता है जी ये मेथड वर्किंग नहीं है। माशाल्लाह से यूट्यूब के ऊपर ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल सिंसियर होके, बिल्कुल रियल होके, बिल्कुल जो है ना सही रास्ते पर चल के अपनी ऑडियंस के साथ रियल वर्क शेयर कर रहे हैं। सिर्फ यही चैनल नहीं है, और भी चैनल्स हैं। अपने अंदर आप इतना शऊर लाजमी पैदा करें, जो काम आपको रियल बता रहा है आप उसको मोटिवेट करें और उसको दिल लगा के सीखें। जस्ट आप अगर पूरी ज़िंदगी में से 6 महीने से लेके 1 साल तक किसी भी काम को दे देते हैं, चाहे यूट्यूब को, चाहे फ्रीलांसिंग को, चाहे ब्लॉगिंग को, चाहे ट्रेडिंग को, आप कामयाब नहीं बल्कि कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। वही चीज़ें जो आपको 16 साल की 20 साल की डिग्रीज नहीं दे रही, आपको ये ऑनलाइन फील्ड दे सकता है, इसमें इतनी पावर है, ठीक है। आप ऑनलाइन फील्ड से कमा सकते हैं, बेशुमार कमा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंट एफर्ट आपने वो करनी है तो कामयाब होना है, नहीं करनी तो आपके लिए सारे मेथड फेक हैं, आप कहीं से भी नहीं कमा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह से 2023 के, सिर्फ 2023 के आप जाके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, रिव्यूज चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे रियल वाले। फेक मैंने कमेंट्स नहीं डलवाए, मैं नहीं जानती वो लोग कहाँ से हैं, कौन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी चैनल से सीख के अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मुझे क्या मिलना है, मुझे जस्ट दुआएं ही दे रहे होंगे। आपके अंदर जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, आप वीडियोस को स्किप करके देखते हो, आप शॉर्टकट के पीछे भागते हो, आपको रातों रात अमीर होने वाला चराग चाहिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी आप खुद जो है ना अपने अंदर इतनी सेंस पैदा करें कि ये काम जो बंदा बता रहा है ये रियल है या फिर फेक है, परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, आप खुद भी उस पर रिसर्च किया करें। लेकिन ऐसे बंदे जो रियल काम कर रहे हैं, आपके साथ सिंसियर होकर काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको मोटिवेट करें, खुद लर्न करें, अपने लिए खुद मोटिवेशन पैदा करें। मैंने यूट्यूब पे 5 चैनल बनाए थे, ये 5वां चैनल है जो मेरा ग्रो किया था। उससे पहले मैंने 4 चैनल अपने ऐड किए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था, प्रॉपर काम नहीं था करना आता, प्रॉपर लर्निंग नहीं थी।
सीखने के बाद किया अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा पांचवा चैनल सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में मोनेटाइज हुआ। उससे पहले चैनल दो दो साल भी लगा के मोनेटाइज नहीं थे हुए। ठीक है, बात होती है काम करने की। सीख के करोगे तो हर चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, हर चीज़ में आप कामयाब होंगे। बात होती है जी इंटरेस्ट की, जहाँ पर इंटरेस्ट है उसको पकड़ो और वहाँ पर लग जाओ। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। बाकी मैं आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। ना शिकवा कर मुकद्दर से, नसीब अपना आजमाता जा, ना डर मंजिल की दूरी से, कदम आगे बढ़ाता जा।